आईपीएल 2021 के यूएई में होने वाले बचे हुए मैचों का शेड्यूल आ चुका है और शेड्यूल के आने के बाद से ही शेड्यूल में दिक्कतें भी दिखने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट प्रोडक्शन और आज इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2021 फेस टू यूएई के शेड्यूल में पांच बड़ी गलतियां दिखाऊंगा, बताऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हुई है शेड्यूल में, जो कि शायद आप देख कर भी नहीं देख पाए। इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमने और हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो थोड़ी सी फैनगिरी नीचे लाइक के बटन पर दिखाइए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, पहली बड़ी मिस्टेक जो कि शेड्यूल में दिख रही है, और ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, फिर से कहते ना कि ग्रहण लग सकता है इस मिस्टेक के बाद पूरे आईपीएल पर, वो है वेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। दरअसल दोस्तों, भारत में क्या दिक्कत हुई थी आईपीएल, यही दिक्कत हुई थी कि जब आईपीएल चेन्नई और मुंबई में खेला जा रहा था तब सब कुछ सही था, लेकिन जैसे ही टीमें ट्रैवल करी और ट्रैवल कर टीमें अहमदाबाद और दिल्ली में पहुंची, स्थिति बिगड़ गई। 5 दिनों के अंदर में पॉजिटिव केसेस आने लगे, यही हुआ था भारत में। सेम यूएई में भी हो सकता है, क्योंकि शेड्यूल में 3 वेन्यू रखे गए। भाई, आपको सिर्फ दुबई रखना था। मैं फिर बोल रहा हूँ कि दुबई एक इकलौता काफी था आपके मैचेस कराने के लिए, 31 मैचेस या ज्यादा मैचेस नहीं है, लेकिन आपने अबुधाबी भी रख दिया, आपने शारजा भी रख दिया। 31 में से 13 मैचेस तो दुबई में होंगे, लेकिन बाकी बचे हुए मैचेस कहाँ होंगे, ये इन 2 वेन्यूज में होंगे, और इसके लिए खिलाड़ियों को ट्रैवल भी करना पड़ेगा, अलग अलग होटलों में रुकना भी पड़ेगा। भाई, अगर आप सिर्फ एक वेन्यू रखते पूरे शेड्यूल में, सिर्फ दुबई रखते, तो मैदान के आसपास प्लेयर्स अपने होटल्स में रुक जाते, इजी हो जाता। अब फिर आप ट्रैवल करेंगे, फिर केसेस बढ़े, तो क्या करेगा बीसीसीआई को पहले ही इसका जवाब दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भारत में भी हुआ था, और यूएई कोई दूसरे प्लेनेट पर नहीं है, वहां भी हो सकता है, क्योंकि अब तो आप ये भी बोल रहे हैं ना कि खिलाड़ियों, माफ कीजिए, ऑडियंस की भी एंट्री होगी, तो उस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा बड़ा मिस्टेक जो कि इस पूरे शेड्यूल में है, वो बताने से पहले बता दूं कि ट्विटर पर जरूर फॉलो कर लीजिए दोस्तों। ट्विटर पर हम ट्रेंड्स चलाएंगे, आपके फेवरेट प्लेयर्स तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे ट्रेंड चलाकर, और कितना आसान होता है तो आपको पता ही है ट्विटर पे, लेकिन उसके लिए आपकी मदद चाहिए। आप जाइए डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, मैंने लिंक डाल दिया, ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए, अपडेट्स वहां पर मिलती है। जैसा टेलीग्राम पर आपने प्यार दिया वैसे ही दीजिए, 10,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे ट्विटर पर तो गिव अवे भी करेंगे, देर बिल्कुल मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स नीचे, ट्विटर पर फॉलो कीजिए। तो चलिए दूसरी बड़ी मिस्टेक्स की बात करते हैं, वो है भाई डबल हेडर्स। दरअसल दोस्तों, ये बात सही है कि बीसीसीआई के पास बहुत कम समय था, बीसीसीआई के पास सिर्फ 27 दिन ही थे और बीसीसीआई को 31 मैचेस ही कराने थे, लेकिन भाई अगर आपको 31 मैचेस कराने थे, आपने 27 दिन की विंडो निकाल ली थी, फिर आप 7 डबल हेडर्स क्यों करा रहे हैं? मतलब ये बात समझ से परे है कि 31 मैचेस कराने के लिए आपने 27 दिन की विंडो निकाल ली है, तो आप मैक्सिमम 2 डबल हेडर्स कराते तो हो जाता। डबल हेडर्स में 7 की संख्या होने से बीसीसीआई को सीधा नुकसान है, क्योंकि दोपहर वाले मैचेस में ज्यादा लोग देखते नहीं, गर्मी की छुट्टियां भी नहीं रहेगी सितंबर में, तो मोस्टली लोग देखेंगे नहीं दोपहर वाले मैच, जिससे व्यूवरशिप का नुकसान होगा और ऑडियंस व्यूवरशिप का नुकसान होता है, तो पैसों का नुकसान होता है, सीधा खेल है। तो भाई ये क्यों किया है बीसीसीआई ने, ये मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब कोई तुक नहीं बनती भाई शेड्यूल में, जब आप 27 दिन का पूरा आईपीएल करा रहे हैं, 31 मैचेस करा रहे हैं, उसके बाद भी आप 7 डबल हेडर्स रख लें, बिल्कुल भी दोस्तों तुक नहीं बनती है। इस पर आपकी क्या राय है, कि आपके हिसाब से डबल हेडर्स होने चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। तीसरा बड़ा मिस्टेक जो कि पूरे शेड्यूल में दिख रहा है, और इस मिस्टेक के बारे में किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्यों बीसीसीआई ने किया, अमून बीसीसीआई की चीजें समझने वाली होती, वो है ओपनिंग मैच। बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि आरसीबी और केकेआर का मैच रोका गया था, तो कायदे से यहाँ पर जब पहला मैच खेला जाता है वो आरसीबी और केकेआर से ही शुरुआत होनी थी, लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहला मैच करा दिया। अब क्योंकि चेन्नई और मुंबई के बीच पहला मैचेस होगा, तो भाई सवाल ये है कि आरसीबी और केकेआर के बीच क्यों नहीं पहला मैच हुआ, वो तुक टूट जाएगी। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा फायदा नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं हमेशा यही समझने की कोशिश करता हूँ कि बीसीसीआई दोस्तों जब भी कुछ करता है ना, कुछ सोच समझ कर करता है। क्या पता क्यों उसने चेन्नई और एमआई का मैच पहला रखा है, आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। क्या ये दोनों टीमों की पॉपुलैरिटी, चेन्नई मुंबई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा, क्या इसलिए बीसीसीआई ने ऐसा किया? क्या केकेआर की पॉपुलैरिटी कम है इसलिए बीसीसीआई ने ऐसा किया? अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, चौथी बड़ी मिस्टेक जो कि पूरे शेड्यूल में दिख रही है और साफ साफ दिख रही है, मतलब इसमें भी बीसीसीआई को थोड़ा सा देखना चाहिए था, वो है आफ्टरनून मैचेस।
दोस्तों भारत में नहीं खेल रहे हैं सितंबर में भारत में बरसात जा रही होती है, सर्दी धीरे धीरे आ रही होती है। आप खेलेंगे यूएई की धरती पर, और यूएई की धरती पर दोपहर में, यहाँ तो 3:30 बजे दोपहर में मैच शुरू होगा दोपहर वाला यूएई में, लेकिन वहां पर दोपहर में 2 बजे आप खिलाड़ियों को एक्सपोज करेंगे। इतनी गर्मी में आपके इंडियन प्लेयर्स अगर दोपहर वाला मैचेस खेलते हैं और अनफिट हो जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण गर्मी और पसीना होता है किसी भी खिलाड़ी के अनफिट होने का। तो अगर आप अनफिट कर देते हैं अपने खिलाड़ियों को दोपहर वाले मैचेस 2 बजे से यूएई की गर्मी में खिलाकर, तो भाई वर्ल्ड कप का क्या होगा? ये बीसीसीआई को सोचना चाहिए था। इसीलिए मैं लगातार बोलता हूँ रात में मैचेस होने चाहिए, दोपहर में नहीं होने चाहिए। सबसे ज्यादा खिलाड़ी 80% तक खिलाड़ी अपनी जो चोट पालते हैं वो दोपहर वाले मैचों में पालते हैं। रात वाले मैचों में ठंडक हो जाती है तो इतनी ज्यादा सॉल्ट लॉस नहीं होता शरीर से, तो क्रैम्स मसल्स में क्रैम्स नहीं आते हैं। तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए था, वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए दोपहर वाले मैचेस ज्यादा नहीं रखने थे। 7 मैचेस दोपहर में, खुदा ना खास्ता कुछ होना नहीं चाहिए। मैं तो फिंगर क्रॉस कर बैठा हूं, आप भी कर लीजिए। जो पांचवी बड़ी मिस्टेक दोस्तों शेड्यूल देखने के बाद, जैसे ही आप शेड्यूल देखेंगे आपको दिख जाएगी, वो बताने से पहले एक रिमाइंडर दे दूं, ट्विटर पर माफ कीजिए जरूर फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पर तो आप करते ही, ट्विटर पर जाइए और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे दी, क्योंकि बहुत कुछ करेंगे वहां पर। लेकिन प्लेऑफ के जो मैचेस है वो पांचवी बड़ी मिस्टेक है शेड्यूल के ऊपर, वो कैसे है वो समझा देता हूँ। दरअसल दोस्तों आपको 5 दिन का समय आपने निकाल लिया था एंड में, और 10 तारीख से प्लेऑफ शुरू होंगे, 15 तारीख तक चलेंगे, 6 दिन तक प्लेऑफ चलेंगे। बीसीसीआई ने 7 डबल हेडर्स भी करा लिए, उसके बाद भी आप प्लेऑफ को 15 तक, फाइनल को 15 तक क्यों खींच रहे हैं भाई? 17 से तो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, मतलब आप अपने खिलाड़ियों को समय भी नहीं दे पाएंगे उतना कि वो भाई आईपीएल मूड से निकलकर वर्ल्ड कप की तैयारी कर लें। हालांकि भारत के मैचेस तो 24 तारीख के बाद शुरू होंगे, लेकिन फिर भी भाई आपको आईपीएल का बायो बबल छोड़कर आईसीसी द्वारा तैयार किया गया, बीसीसीआई द्वारा तैयार किया गया वर्ल्ड कप के बायो बबल में जाना पड़ेगा। और इसीलिए फिर वही बात है, दोहरा रहा हूं कि प्लेऑफ को आप और जल्दी खत्म कर सकते हैं। 27 दिन की विंडो आपने निकाल ली थी, 7 डबल हेडर्स आप करा रहे हैं, उसके बाद भी आप आईपीएल को लंबा खींच रहे हैं, 15 अक्टूबर तक खींच रहे हैं। वर्ल्ड कप को नुकसान होगा, कई टीमों को नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा तो इंडियन प्लेयर्स है तो इंडियन को भी नुकसान हो सकता है, जैसा कि दीप दास गुप्ता ने कहा था। तो ये थी दोस्तों वो 5 मिस्टेक्स जो कि आईपीएल शेड्यूल में हमने देखी, जो शायद आप नहीं देख पाए समझ पाए, हालांकि आप हमसे ज्यादा समझते हैं, और इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिख रहे होंगे। तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए कि आपके हिसाब से शेड्यूल में क्या दिक्कतें हैं, अपनी राय भी दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ट्विटर पर जरूर फॉलो कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।